पहना है ये वाला सूट, मेरा रूम थोड़ा सा गंदा हो रहा है तो प्लीज इग्नोर करना, इस तरीके वाला ये वाला। और चाची को भी कर दो हैप्पी किस डे, ओह चाची को, चाची को आहा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। सो अजीब अजीब सा लग रहा होगा ना, भारी भारी सा फेस, ऐसा लग रहा है सूज गया है। तो हाँ, मैं जस्ट सो के उठी हूँ इसीलिए मेरा फेस थोड़ा अजीब सा लग रहा है। कोई नहीं, फटाफट से तैयार होंगे। आज मैं एक ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ। हम जा रहे हैं कहीं घूमने, घूमी घूमी करने। तो घूमने के ब्लॉग्स बहुत कम आते हैं मेरे चैनल पे क्योंकि हम जाते नहीं हैं कहीं पे, बट फाइनली आज हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये तो ब्लॉग आप लोग आगे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आज हम कहाँ जा रहे हैं घूमने। घूमने नहीं जा रहे, मतलब ऐसे ही जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों छोटा सा एक ब्लॉग बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स देखना पसंद है, अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा बना लेती हूँ। जितना पॉसिबल हो पाया उतना सब कुछ आप लोगों से शेयर करूँगी, नहीं हो पाएगा तो नहीं शेयर करूँगी, बट ट्राई करूँगी छोटे छोटे क्लिप जरूर लूँ हर जगह से जहाँ जा रहे हैं हम लोग वहाँ से, और आप लोग साथ शेयर करूँ। तो जा कौन कौन रहा है, मैं, मम्मी, मिस्टर हस्बैंड और शायद मेरे देवर जी, हम लोग जा रहे हैं। और शायद आप लोग साथ अपना स्किन केयर शेयर कर लूँ। स्किन केयर शेयर करने से पहले मैं एक चीज़ बताऊँगी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दी आप कुछ ये वाला ट्राई करो, दी आप ये वाला ट्राई करो। तो यूट्यूबर्स का काम ही यही होता है कि नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई करके आप लोग साथ शेयर करना, अपने सब्सक्राइबर को बताना नई नई चीज़ों के बारे में। तो सेम सब लोग वही करते हैं, मैं भी वही करती हूँ। तो करेंटली मैंने वाओ के न्यू रेंज जो लॉन्च हुए थे हिमालयन रोज़, वो वाला देखा, तो मैंने सोचा ट्राई करती हूँ एंड उसके बाद मैं आप लोग साथ शेयर करूँगी। तो मैंने ट्राई किया एंड 10 डेज से ट्राई कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दिन से नहीं कर रही, 10 to 15 डेज से ही ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोग साथ शेयर कर। सबसे पहले मैं फेस वॉश करूँगी एंड मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस का हिमालय एंड रोज़ फॉर्मिंग फेस वॉश। अगर आपकी स्किन डल है, पैची है, तो आप ये फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिलिकॉन ब्रश है जो आपके फेस को स्क्रब कर भी करता है, और डर्माटोलॉजी की टेस्ट है, नो कलर, नो पैराबेन, नो सिलिकॉन एंड कोई भी कलर का यूज़ नहीं किया गया है। ये ऑल स्किन टाइप को सूट करता है। मुझे इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी लगती है, डेड स्किन रिमूव करता है, मस्ट बाय प्रोडक्ट है ये। इसमें प्रो विटामिन B5 है एंड विटामिन ई भी है। सो आपको बहुत ही हल्के हाथों से अपने फेस पे अच्छे से स्क्रब करना है, बहुत ही हार्ड नहीं करना है वरना आपके फेस को हार्म करेगा। बहुत ही ईजी हाथ से पूरे फेस पे अच्छे से करोगे, आपके जो भी ब्लैक हेड्स होते हैं ना वो भी सिलिकॉन ब्रश की हेल्प से रिमूव हो जाएंगे। आप देख सकते हो फेस वॉश करने से पहले मेरा फेस कैसे था एंड फेस वॉश करने के बाद कैसा है। देन मेरे पास है यहाँ हाइलुरोनिक फेस सीरम वाओ स्किन साइंस का। ये आपके फेस को हाइड्रेट करता है। अगर पॉल्यूशन की वजह से आपका फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है तो आप ये सीरम यूज़ कर सकते हैं। टैनिंग को रिमूव करता है एंड आपके डिमिस रिंकल को भी ठीक करता है। बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं इस सीरम को यूज़ करने के लिए। नो पैराबेन, नो सिलिकॉन, नो कलर, कोई सा भी कलर का यूज़ नहीं किया गया है। सो मस्ट बाय प्रोडक्ट है ये भी। आपको पंप दिया हुआ है, इसे प्रेस करना है, थोड़ा सा लेना है। देन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलुरोनिक एसिड वाटर जेल। सो इसमें विटामिन B5 है एंड विटामिन ई है, आपके फेस को हाइड्रेट करने में एंड टोनिंग करने में हेल्प करेगा एंड आपके स्किन पे फास्टली ऑब्जॉर्ब हो जाएगा एंड आपके स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है, और उसके साथ साथ ऑल स्किन टाइप को सूट करता है। आपको अच्छे से मसाज करना है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा सा लेना है एंड पूरे फेस पे अच्छे से मसाज कर लेना है, आपके फेस में इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा ये। और उसके बाद आप देख सकते हो मेरे फेस का ग्लो किस तरीके से आ रहा है, नो कलर, नो पैराबेन। सो वाओ एक इंडियन ब्रांड है, इनके सारे प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री होते हैं, ये किसी भी कलर का यूज़ नहीं करते हैं एंड उसके साथ साथ इनकी जो प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग होती है वो भी बहुत अच्छी है। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप ले सकते हो। देन यहाँ पे है मेरे पास वाओ स्किन साइंस का हिमालय रोज़ बॉडी बटर। बॉडी बटर आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है और आप विंटर में भी यूज़ कर सकते हो एंड समर में भी यूज़ कर सकते हो। इसमें एलोवेरा है और सबसे बड़ी बात, इसको स्किन पे यूज़ नहीं करना है, इसको
बॉडी पे ही यूज़ करना है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। आपके स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करता है, टोन करता है। आपकी स्किन अगर ड्राई है तो आप यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आफ्टर यूज़। इसमें भी कोई कलर का यूज़ नहीं किया गया है। और मैंने पहना है ये वाला सूट, मेरा रूम थोड़ा सा गंदा हो रहा है तो प्लीज़ इग्नोर करना, इस तरीके वाला ये वाला। और आपको ये मिंत्रा हॉल आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा, लिंक अगर ये वाली वीडियो से पहले आई तो देख लिंक डाल दूंगी मैं। वैसे तो मुझे लगता है कि मिंत्रा हॉल मेरा पहले आएगा इस वीडियो से पहले, सो आप ले सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी में है ये सूट। बस हम निकल रहे हैं थोड़ी देर में, मिस्टर हस्बैंड रेडी हो रहे हैं, मैं और मम्मी रेडी हो चुके हैं। तो आफ्टर स्किन केयर मैंने किया है बहुत ही थोड़ा सा मेकअप, बहुत ज़्यादा नहीं किया है, थोड़ा सा ही किया है। चलो निकलते हैं थोड़ी देर में। और चाची कहाँ जा रहे हैं बोलो भाई। बोलो चाची, घर से बाहर निकलते नहीं, यही पूछना शुरू कर दे, कहाँ जा रहे हैं? हमेशा मेरी वीडियो ऐसे खराब करते हैं मम्मी। सही बोल रहा हूँ, सेक्टर से बाहर निकले हुए कहाँ जा रहे हैं? सिर और धो के आज 10 बार कहे नहीं कि एक रबर चेक कलेचर लगाओ लिया है मम्मी 10 बार कहे नहीं, लेकिन एक कलेचर ना लगा मिली काली रोइन बने। ए बाबू लड़ा रे लकत नहीं कि घुस किए ने बने क्या कौन है दुनिया में बुलाए वाली? कल वैलेंटाइन डे का तैयारी ना करियो। वैलेंटाइन डे की तैयारी कर रहे हो? कल है ना, हम आज जा रहे हैं वैलेंटाइन डे मनाने। मम्मी जा रही है अपने मायके वैलेंटाइन डे मनाने। मैं जा रही हूँ सरोजिनी नगर मार्केट। ट्रैक्टर और धनु फिर से आज हमारे साथ आ गए हैं। धनु और मेरा सेम टाइम फिक्स हुआ है, जब चाची जाएगी तो धनु भी जाएंगे, है ना धनु? चलो घूमी घूमी मना लो। बाबू बाबू चाचू को किस करो, हैप्पी किस डे विश कर दो चाचू को। नहीं कर दो प्लीज, बेचारे सिंगल है। नहीं कर दो प्लीज। अब कहाँ जा रहे हो ये बता दो पहले। इधर देखो, इधर देख के बोलो चाचू घर, बता दो तुम। और मम्मा को छोड़ के, मम्मा को छोड़ के दादी के साथ, चाची के साथ रोगे तो नहीं? और चाचू को किसी कर दो भाई, दिखी नहीं है, दिखी नहीं है, कर दो चाची को किसी कर दो। और दादी को भी कर दो हैप्पी किस डे, दादी को भी बोल दो। चाचू तो दूर है, चाची को भी कर दो भाई। जाने के लिए तैयार होता है मुंह इसका ऐसा हो जाता है। चाची को भी कर दो हैप्पी किस डे। ओ ओ चाची को, चाची को आहा ये हमारा किस इतने अच्छे तरीके से मूवी हमारा किस डे सेलिब्रेट हुआ है। अभी मम्मी और मिस्टर हस्बैंड गए हैं शॉप पे, मम्मी के लिए चश्मा वगैरह देखना था तो वहीं पे गए हैं। और मैं बहुत कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, इसीलिए अब थोड़ा बहुत जो भी किया है वो मैं दिखा दूंगी, आप लोग देख ही रहोगे। तो हो सकता है कि मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँ या घर जा के करूँ, देखते हैं। धनु धनु क्या कर रहे हैं? मम्मा को मिशी मिशी कर रहे हैं। हाँ धनु, अब धनु अपनी मम्मा के लिए आज बिल्कुल नहीं रहे हैं, पूरे बिल्कुल नहीं रोए हैं, पूरे दिन हमारे साथ थे, है ना धनु? धनु छुपे हैं। तो मैं आ गई हूँ घर, घर आके अभी जस्ट चेंज वेंज नहीं किया है, जा रही थी बस चेंज करने, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग को एंड कर देती हूँ वरना हमेशा भूल जाती हूँ ब्लॉग को लास्ट एंड करना। हुआ क्या कि मंदिर में, हमारे घर के पास एक छोटा सा मंदिर है, तो पहले हमें वहाँ पे दर्शन करना था, मतलब मम्मी ने बोला कि कर चल लेते हैं, तो वहाँ गए दर्शन करने। तो वहाँ पे हुआ क्या कि कैमरा मतलब फ़ोन अलाउ नहीं था अंदर, क्या वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, ज़्यादा कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि अलाउ नहीं था तो अच्छा नहीं लगता। और वहाँ पे तो मुझे एक अंकल ने ना टोक भी दिया कि बेटा फ़ोन अंदर रखो, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है, आप लोगों ने जैसे कि देखा।
तो बस उससे ज़्यादा नहीं कर पाई। उसके बाद हम चले गए थे अपने मामा जी के घर, और मार्केट से मम्मी वगैरह को कुछ काम था तो वो सब करने, और मामा जी के घर गई तो वहाँ पे बच्चा पार्टी में लग गई बातें बातें करने में, तो फिर भूल गई कि मैं ब्लॉग कर रही थी, मुझे आगे ब्लॉगिंग करनी थी, मैं भूल गई, तो इसलिए वहाँ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई कुछ। तो बस यही किया, और बाय बाय।